अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी बहुत ही मज़ेदार से मैक्रोनीज़ बनाने की रेसिपी। और उसके साथ साथ जी व्लॉग मैंने शुरू किया था यहाँ पे सुबह के टाइम से, तो ये सब्ज़ियाँ आई थी इनको बस अब मैंने संभालना था और खाना भी बनाना था। खाने में मैंने आज दो चीज़ें बनाई हैं, एक तो मैंने मैक्रोनीज़ बनाई थी बच्चों के लिए, उसके साथ फिर मैंने बनाए थे कद्दू। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगी, उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आपके साथ मैं मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। उसके बाद आइजल का मैंने एक ड्रेस बनाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल के साथ कि मैंने किस तरह से उसको डिज़ाइन किया है। और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी मैं मैक्रोनीज़ के लिए काट रही थी वेजिटेबल्स, मैक्रोनीज़ मैंने बॉयल करने के लिए रखती थी। यहाँ पे मैंने लिया है जी प्याज एक लिया है मैंने और मीडियम साइज़ का, उसको मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद ये शिमला मिर्च है, मैंने दो शिमला मिर्च लिए हैं, उसको मैं चॉप कर लूँगी। यहाँ पे बस मैंने सीड्स वगैरह सारे उसके निकाल लिए हैं, इस तरह से छोटा छोटा सा चॉप करना है। मैक्रोनीज़ मैंने कौन सी वाली ली हैं, किस साइज़ की लिए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पैन पास्ता मैंने लिया है, तो वो पास्ता जो है ना वो मैंने बॉयल करने के लिए यहाँ पर रखना है साथ। और सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स कटिंग करनी स्टार्ट की थी यहाँ पर। इस तरह से आपने इसको चॉप कर लेना है, आपको जिस शेप में पसंद हो आप वो शेप भी काट सकते हैं। मुझे इस शेप में पसंद है, मैक्रोनीज़ के हिसाब से मैं पास्ता के हिसाब से उसको बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये जी पैन पास्ता है मेरे पास 400 ग्राम्स है ऑलमोस्ट। ये यहाँ पे मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ है, इसमें मैंने नमक और ऑयल डाल दिया था। अच्छा सा बॉयल हो जाएगा तो उसमें मैं पास्ता डाल दूँगी और एज़ पर इंस्ट्रक्शंस आपने इसको बॉयल कर लेना है। और फुल डन मैं पास्ता को करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया था जी ऑयल 3-4 टेबल स्पून, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, फ्रेशली पेस्ट था मेरे पास बना हुआ, तो ये आपके पास 1 टेबल स्पून इनफ हो जाएगा। इसको आपने हल्का सा सौते करना है, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। इसके बाद मैं इसमें चिकन डालूँगी, चिकन मैंने लिया इसमें 300 ग्राम्स, उसके मैंने छोटे पीसेस कर लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसके पीसेस आपने कितने बनाने हैं। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है अदरक लहसुन के पेस्ट का। इसमें मैं चिकन डालूंगी, चिकन देखिए मैंने इस तरह से इसके पीसेस कर लिए थे, 300 ग्राम मैंने चिकन लिया था, उसको बस आपने इसमें डालना है। उसके बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाए, उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए और कुक करना है। इतनी देर के लिए आपने इसको मिक्स करना है जब तक अच्छे से कलर चेंज हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज के अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ना अच्छा सा चेंज कलर हो चुका है उसका। तो इस पॉइंट पे हम इसमें क्या चीज़ें ऐड करेंगे, सबसे पहले तो इसमें प्याज ऐड करनी है और इन सब वेजिटेबल्स को ना आपने हल्का सा सॉफ्ट करना है, मतलब बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से चम्मच चला देना है आपने टमाटर के साथ, उसके बाद आपने टमाटर ऐड करने हैं, क्योंकि टमाटर जो है ना थोड़े से होते हैं मतलब जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैंने दूसरे स्टेप में ऐड किया है इसको। और शिमला मिर्च मैंने एंड में ऐड कर दी है क्योंकि उसको ना मैंने बिल्कुल थोड़ी देर के लिए पकाना है, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे पीसेस में मैंने काटी हुई है तो वो भी जल्दी कुक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि चिकन तो बिल्कुल गला हुआ नहीं है, इस पॉइंट पर मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा अपने पानी ऐड करना है और उसके बाद आपने इसको कवर करके पकाना है ताकि अच्छे से टमाटर नरम हो जाए और बहुत अच्छा सा जो है ना एक आपकी ग्रेवी टाइप का बन जाए और ये आपका एक तरह से ना सॉस भी बन जाएगा टमाटर्स के साथ। तो पहले इस पॉइंट पे मैंने अभी यहाँ तक मसाले कोई भी ऐड नहीं किए हैं, बस आपने इसको कवर करके पकाना है ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और लो फ्लेम पर आप इसको पकाएँ। अब यहाँ पे देखिए जब मैंने इसको कवर हटाया है तो ऑलमोस्ट पानी सारा इसको ड्राई हो चुका था, चिकन अच्छा सा गल चुका है और टमाटर भी ऑलमोस्ट गल चुके हैं। इस पॉइंट पे मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी और उसके बाद आपने अच्छे से इसको चला लेना है, थोड़ी देर के लिए आपने इसको शिमला मिर्च के साथ पकाना है और उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। अच्छा चाइनीज़ के जो सॉसेस हैं वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें मैंने जिसमें ऐड किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपने इसमें 2 टेस्ट नमक ऐड करना है, नमक थोड़ा सा मैंने मैक्रोनीज़ को बॉईल करते हुए भी ऐड किया हुआ है, तो आपने उस हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है। तो इस पॉइंट पे मैंने सारे इसमें मसाले ऐड किए थे, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया था और क्योंकि थोड़ी स्पाइसी सी मैंने मैक्रोनीस बनानी थी, उसके साथ मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने इसमें डाला था जी टोमेटो केचप, मतलब चिली गार्लिक सॉस मैंने बेसिकली इसमें डाला है। अगर आप इसमें सॉसेज डालना चाहें तो कॉर्न सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस जो है वो आप इसमें 2-2 टेबलस्पून डाल सकते हैं, जितनी क्वांटिटी मैंने बनाई है इसके अकॉर्डिंग आप इसमें 2-2 टेबलस्पून डालें। बस यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डन हो चुका था, इस पॉइंट पे ना मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके ना इसको मैंने कवर कर दिया है और ताकि शिमला मिर्च भी थोड़ी सी गल जाए। अच्छा उसके बाद ये विंडो ग्लास क्लीनर था, कारफोर जब गई थी मैं वहाँ से लेके आई थी, ये 2-in-1 था, मतलब बाय वन गेट फ्री, वन फ्री के साथ था। तो एक तो बोतल जो है उसकी इस तरह से ढक्कन के साथ है और एक बोतल जो है वो स्प्रे के साथ है। तो मेरा जो ग्लास क्लीनर था वो ख़त्म हो गया था, मुझे अब चाहिए था क्लीनिंग वगैरह के लिए, तो इसको यहाँ से मतलब मैं निकालने वाली थी, तो बड़ा अच्छा सा इसका साइज़ था।
कारफोर में अक्सर सेल वगैरह अक्सर चीज़ों पे लगी हुई होती है, तो उसमें ये जो है ना बड़ा अच्छा सा इसका साइज़ मुझे मिल गया था। अब यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है, इसका पानी आपने हल्का सा ड्राई करना है, उसके बाद मैं इसमें मैक्रोनीस ऐड कर दूँगी। मैक्रोनीस मैं आपको बताया था कि आपने किस तरह से बॉयल करनी है, बस वो बॉयल हो चुकी थी, उनको मैंने स्ट्रेन करके रख लिया है साइड पर, और उसके बाद मैं बस उसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए जी मैक्रोनीस पास्ता जो था वो मैंने बिल्कुल डन था, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स देके ऑलमोस्ट इसको ना फाइव मिनट्स के लिए दम देना है एक साइड पे, और 5 मिनट्स के लिए आपने इसको दम देना है दूसरी साइड पे। और इस पॉइंट पे ना मैं इसमें थोड़ा सा ऑलमोस्ट 2-3 टेबल स्पून के करीब चिली गार्लिक सॉस डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इससे ना बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, बहुत अच्छे से इसकी लुक आ जाएगी। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको रख देना है दम पे ऑलमोस्ट 5 मिनट्स इस साइड आपने इसको दम देना है। और यहाँ पर देखिए मज़ेदार सा चिली गार्लिक पास्ता हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा ये पास्ता बना था, अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ही मज़े का लगेगा। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसकी कंप्लीट लुक है, बहुत ही मज़ेदार सा ये बना था। और अलीज़ा और आइज़ल ने भी बहुत शौक़ से खाया है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट है ये इसका मसाला टेस्ट वगैरह। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, समर्स हैं, लाइट सा आप पास्ता बना के बच्चों को इस तरह से दे सकते हैं। 1 पॉट पास्ता है, आप इस तरह से बच्चों को चिकन वगैरह भी उनके खाने में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। साथ मैंने बनाया था जी कद्दू का सालन, और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी था यहाँ पे, और बस मैंने रोटी वगैरह बनानी थी, खाने को सर्व करना था, और यहाँ पर ऑलमोस्ट खाना जो था वो मेरा बिल्कुल हो चुका था रेडी। अच्छा उसके बाद ये ड्रेस है जी आइजल का, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सिर्फ स्लीव्स में ना मैंने थोड़ी इलास्टिक डालनी थी, बाकी बिल्कुल रेडी हो चुका था। इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया, कमरे में लाइट बहुत ज़्यादा थी इसलिए इसका कलर इतना क्लियर नहीं आ रहा, बहुत प्यारा सा इसका मस्टर्ड सा कलर था। और ये मैं लॉन्ग बॉडी के साथ इसकी इस तरह से फ्रिल वाली बनाई है, यहाँ पर मैंने नीचे फ्रिल लगाई है इसकी, और बहुत अच्छा सा जो है ना प्यारा सा उसकी फिटिंग के हिसाब से बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह, उसके ऊपर बहुत सूट कर रहा था। और बस मैंने स्लीव्स में ना इलास्टिक डालनी है, इसको यहाँ पे करना था फुल जो डन इसकी लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये इसके साथ मैंने बनाया था शॉर्ट्स, 3/4 शॉर्ट है ये, मतलब बिल्कुल छोटी निकर वाला नहीं है, 3/4 मैंने बनाया है इसके साथ। और क्योंकि कपड़ा इतना कम था मैं अपने हिसाब से जो लेके आई थी उसमें इतना कपड़ा बचा था। तो ये था थोड़ा सा ड्रेस जो मैंने इसका बनाया था, मैं आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।